अरे राम, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, जल्दी जाओ, और उनको तुम्हें बुला रहे हैं। अरे बेटा, तुम अब आए हो, मैं तुम्हें कब से बुला रहा था। देखो, वैसे तो मैंने ज़्यादा कुछ कमाया नहीं है, मैंने शहर में 2 घर ले रखे हैं और उसके बाद मेरे पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं बची है। मैंने ये थोड़े से पैसे हैं जो अपनी बचत में से बचा कर रखे हैं, ये तुम्हारे किसी ना किसी काम जरूर आएंगे, मुझे नहीं लगता मैं अब और जीऊँगा। ऐसा कहकर उसके पिताजी चल बसते हैं और वो उसके पिता ने जो नए घर लिए हुए थे उनमें एक पुराना घर था और एक नया घर था। पुराना घर और नया घर दोनों बिल्कुल पास पास ही में थे और जिस बिजनेसमैन से उसके पिताजी ने वो घर लिए थे उसने बहुत ही सस्ते में उन्हें वो घर दे दिए थे। इस कारण उसके पिताजी ने सस्ते के लालच में वो दोनों घर खरीद लिए और उन घरों के बारे में उसने कुछ भी जांच पड़ताल नहीं की। अरे कृष्णा, तुम्हें पता है राम के पापा ने शहर में 2 नए घर खरीद रखे हैं और मुझे भी अभी पता चला है। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? अरे नहीं दोस्त, मुझे तो तुम ही बता रहे हो कि राम उसके पापा ने 2 घर खरीदे हुए थे, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। चलो देखते हैं। राम बड़ा हो जाता है और उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर स्त्री के साथ हो जाती है और वो गांवों में उसके साथ अपने पुराने घर में रहता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, तुम्हारे पिताजी ने जो शहर में नए घर खरीद रखे हैं, चलो उनमें चलते हैं। और वो अपना सामान पैक करके वहां से अपने शहर के नए घरों में चले जाते हैं। जी सुनते हो, मुझे लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े घर पिताजी ने खरीदे थे इसके लिए तो उन्होंने बहुत ज्यादा दाम चुकाया होगा, बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे, इतना पैसा पिताजी ने मेहनत करके कमाया हुआ है। श्याम उसके शहर वाले घर में जाता है। ये आपका दोस्त श्याम है, मैं इसके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, आप तब तक बातें कीजिए। अरे वाह राम, तुमने अपनी पत्नी को मेरे बारे में भी बताया हुआ है। अरे हाँ दोस्त, कहो कैसे तुम, सब ठीक ठाक हो ना? हाँ सब ठीक है, पर मेरे पास ही यहाँ दूसरे घर में 2 लोग रहते हैं, उन लोगों ने ना जाने कैसी कैसी अफवाह मेरे बारे में फैला रखी है। उनमें एक जिसने चश्मे पहने हुए वो कहता है कि मेरे घर में भूत रहते हैं, इसलिए मैं दूसरा मकान किराए पर नहीं चढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए तो एक मकान ही काफ़ी पड़ता है, अब मैं उन दोनों से कैसे निपटूं, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। और गांव में हम सब कितने प्यार प्रेम से रहते थे, ना जाने यहाँ पर ये कैसे लोग हैं। वो दोस्त किस काम का जो मुसीबत में काम न आए, तुम्हारी इस समस्या का हम समाधान जरूर करेंगे। अरे हाँ, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे भरोसा है तुम इस समस्या का जरूर न जरूर कुछ समाधान कर दोगे, और तुमसे अच्छा दोस्त मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिला। अरे अब मैं आ गया हूँ और साथ में श्याम भी आ गया है, हम दोनों ऐसा करेंगे, तुम्हारी इस समस्या का पता लगाएंगे कि तुम्हारे घर में भूत होने की खबर जो इन लोगों ने फैला रखी है ऐसा क्या है कि लोग तुम्हारे घर से भाग जाते हैं, उन्हें लगता है कि घर पर भूत आ गए हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हारे साथ हैं और हम मिलकर उसका पता लगा लेंगे। अजी आपके लिए चाय नाश्ता है, कर लेना। वाह ये मेरे दोस्त हैं, देखो हमारी समस्या का समाधान कर। नमस्ते भाभी जी, भैया चाय पी लो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम तो कब से परेशान है, अब राम की परेशानी की हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। अरे वाह, आप वाकई में ही इसके सच्चे मित्र हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लोग कोई भी किसी का मित्र नहीं है। देखो सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, और हम जो तुम्हारे ये घरों में भूत होने की समस्या है उसका समाधान करेंगे। इसके लिए कुछ प्लान है? हाँ मेरे पास एक प्लान है, हम ऐसा करते हैं कि रात को तुम्हारे घर की पहरेदारी करेंगे और देखेंगे कि कौन है जो रात को तुम्हारे घर पर आता है।
श्याम और कृष्णा रात के समय घरों के बाहर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि शहर में जो उसके दोनों पड़ोसी हैं वो उसके घर पर आए हुए हैं, और वो उसके जिस घर में वो नहीं रहता उस घर में चुपके से जाते हैं और वहाँ की लाइट कम कर देते हैं और वहाँ पर जाकर अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं, और जिससे लोगों को लगता है कि यहाँ इस घर में भूत रहते हैं और कोई भी उसके घर पर किराए पर रहने के लिए नहीं आता है, जिससे उसके मकान में भूत होने की जो अफवाह है वो भी इन दोनों ने फैलाई हुई है। इसी तरह श्याम और कृष्णा उन दोनों को ये सारी हरकत करते हुए देख लेते हैं, और घर के आगे से जब वो बाहर निकलते हैं तो वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ कर उसे राम के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भैया ये है तुम्हारे दोनों गुनहगार, इन दोनों ने ही ये सब कार्य किया हुआ है, अरे तुम क्यों घबरा रहे थे, तुम्हें पता है ना कि बचपन में हमने भूत प्रेतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी। हाँ सुनी तो थी, तो फिर तुम किस लिए डर रहे हो, जब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।